मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वसई विरार के महानगर पालिका क्षेत्र प्रभात बी की है, जिसमें टैक्स ना भरने पर एक व्यक्ति की दुकान को तोड़ा जा रहा है, दुकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को उस पर कार्रवाई करने के बजाय एक छोटी सी दुकान दिख रही है, सिर्फ इसीलिए कि इस दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया। पर सवाल ये है कि क्या होगा जब टैक्स भर दिया जाएगा? क्या इनकी दुकान को फिर से पहले जैसा बना दिया जाएगा? ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यूजर्स अपनी राय रखते हुए कह रहे हैं कि कई जगहों पर अवैध निर्माण का काम चल रहा है, पर इनका बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हर बार गरीबों को ही क्यों परेशानी झेलनी पड़ती है? ये जो विषय है, कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि प्रभाग समिति ब द्वारा जो घरपट्टी वसूली का कुछ मुहिम चालू किया गया था, ठीक है, वो घरपट्टी का मुहिम, क्योंकि घरपट्टी हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, उसने समय पर भरनी चाहिए, अगर नहीं भरी है तो महापालिका उसकी वसूली का मुहिम भी चलाए। लेकिन जब सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा कि घरपट्टी वसूली के जो के लिए गए हैं वहां पे वो तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। सही मायने में जब घरपट्टी वसूली करनी है तो संपत्ति आपको जब्त करनी चाहिए, संपत्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस मामले में मैंने घरपट्टी के जो डीएमसी है, उपायुक्त समीर भूमकर को मैंने फोन करके उनके बोला कि ये कौन सा तरीका है, आप कौन से नियम के तहत इस कार्रवाई कर रहे हो, इसको तुरंत रोकी जाए। तो उन्होंने सहायक को इस बारे में आदेश दिया कि ये कार्रवाई तुरंत रोकनी चाहिए। इस संबंध में लेके मैंने महापालिका के कमिश्नर अनिल पवार को एक पत्र लिखा है कि ये जो है आप इमीडिएटली कार्रवाई, इस तरह का जो अशोभनीय कार्य आपने जो किया इसकी मैं गहरी निंदा करता हूं। और ये कार्यवाही अक्सर मैंने देखा है कि गोर गरीब लोग जनता को सताने का काम महापालिका है ना, जब त्यौहार होते हैं उसी टाइम पे इस तरह की कार्यवाही करती है। इसलिए मैंने उनको अपने निवेदन से उनको विनंती किया है कि ये जो कार्यवाही त्वरित रोकी जाए, और जो भी है, क्योंकि दिवाली दो साल से कोरोना के कारण पब्लिक बेहाल, पैसे सबका आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, तो उन्होंने अगर नहीं भरा है तो उसको समय दिया जाए। और अभी फिलहाल दिवाली है, कम से कम दिवाली में आप किसी का अगर घर तोड़ते हो तो उसको बेघर कर रहे हो, अगर किसी का गाला तोड़ते हो तो उसका उसको बेरोजगार कर रहे हो, और ये बेरोजगार करने का अधिकार महापालिका को नहीं है। उनकी संपत्ति जो है वो संपत्ति कर के लिए अगर जरूरत पड़ने पर वो संपत्ति सील करे ना, तोड़े नहीं। और मेरा ये भी सवाल है महापालिका से कि यदि समझो ये घरपट्टी जो आपकी बकाया है उसको लेकर जब आप कार्यवाही कर रहे हो, अगर वही अगर समझो वो जो बकायादार है, अगर आखिर कल अगर आपकी संपत्ति जब भरेगा, उसका जो आपके टैक्स जो बाकी है बकाया है वो भरेगा, आप उसका नुकसान भरपाई करके देंगे क्या? यही मेरा सवाल है कि महानगर पालिका ने जो नुकसान किया है और व्यक्ति अगर वो पैसा पेमेंट करता है तो क्या बनवा के देंगे या गाला खड़ा करके देंगे या शटर तोड़ा हुआ है वो बना के देंगे, क्या करेंगे? वही मैंने लिखित में दिया है। और मैं तो यहाँ के नागरिक को आह्वान करता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बकाया तो भरने, आपको जो टैक्स हो आप भरिए, टाइम समय पे भरिए, ताकि ऐसी कार्यवाही की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिनका नुकसान हुआ है वो जाके दावा करे अपने ऊपर। और मैं इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर को भी लेटर लिखने वाला हूँ कि ये अधिकार इनको किसने दिया है, इस तरह की कार्यवाही करने वाले के ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि घोर गरीबों को ही सताने का काम करो। यहाँ पे ऐसे हजारों नेता रहेंगे, ऐसे हजारों बिल्डर रहेंगे जिनकी घरपट्टी बकाया रहेगी लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्षेत्र में अनेक अनेक अवैध निर्माण हो रहा है, वहां जाके चलाओ ना बुलडोजर, गरीबों के घर पर बुलडोजर क्यों चला रहे हो? और इस तरह का गरीबों के ऊपर अन्याय भारतीय जनता पार्टी कतई सहन नहीं करेगा।